हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज वीडियो रे आम ओडिशा बीड एंट्रेंस देखंतु बायोलॉजिकल साइंस रो गोटे टॉपिक जोटा कि होची नेचुरल रिसोर्सेस, तो तार 100 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जदि आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा गोटे रु दुईटा क्वेश्चन आपन निहाती ए टॉपिक रु पाइबे, तो वीडियो को आपन कंप्लीटली देखिबे। वीडियो को गोटे लाइक करबा सह सांगमान सहित वीडियो को थरे थरे शेयर करिया को जमै भूलिबेनी। आउ फ्रेंड्स जे चैनल को नुआ आस्थिबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाए पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो जीवा क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 आपन देला कोन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो आ भितर केउटी गोटे नॉन रिन्यूएबल मींस नवीकरण अयोग्य रिसोर्स बोली आपन को कहि छी। तो विंड दे छी, वाटर दे छी, वेजिटेशन दे छी, कोल आउ माइन दे छी, कोल आउ मिनरल दे छी। तो आपन जानि परथु ऑप्शन कोन हे जीव, तो ऑप्शन नंबर डी हे जीव, कोल आउ मिनरल होछि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आ भितर केउटी गोटे नवीकरण योग्य रिसोर्स क्योंटी, सॉइल देची, वाटर देची, फ्लोरा और फना, देन आपन देची ऑल ऑफ दी एबव। तो कौन है जीवो करेक्ट आंसर, तो एटा तो हबो, एटा भी हबो, तो एटा भी हबो, फ्लोरा और फना भी हबो, तो ऑल ऑफ दी एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर लाइफ। तो आपनर स्ट्रेटोस्फीयर रे क्यों जिनस प्रेजेंट थी से आमर कौन ना यूवी रे जोटा आप सूर्य यूवी रे प्रोटेक्शन करथाय। तो आम यूवी रे जदि आम डायरेक्ट कांटेक्ट रे आसवा यूवी रे तो विभिन्न प्रकार कैंसर जितिय आदि रोग हो पारे। तो आपर क्यों पदार्थटा स्ट्रेटोस्फीयर रही थी से आपर यूवी रे को प्रोटेक्शन करथाय, तो जानते ऑब्वियसली कौन ओजोन हो करेक्ट आंसर ओजोन। नेक्स्ट हूँ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस सच आज O2, CO2 एंड N2 आर चीफली कन्सनट्रेटेड इन द। तो आपची ये जो गैस गुड़ा आम डेली यूज मैंने आम लाइफ सपोर्टिंग मानने आम बचापी निहाती दरकार। तो आम आटमोसफियर जोटा कि रोचे O2 है, CO2 है, नाइट्रोजेन है, तो मैंने चीफली क्यों लेयर आप जेने था ट्रोपोस्फियर में था आपंकर एक्जोस्फीयर ना होमोस्फीयर ना स्ट्रेटोस्फीयर। तो जानते हैं एक्जोस्फीयर हेनी, स्ट्रेटोस्फीयर हेनी, होमोस्फीयर हेनी, तो बाकी रहा आप ट्रोपोस्फीयर, तो ये ही रही थी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लांट मानकर ग्रोथ पई क्यों सॉइल सबटु भल होता है, प्लांट मानकर ग्रोथ पई क्यों सॉइल आप उपादाय। तो आप कहे तो हो कौन ना लोमी सॉइल, तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ पावर एंड मैन्युअर आर प्रोवाइडेड बाय, बोथ पावर आउ मैन्युअरटा किए आमको प्रोवाइड करता है, किए प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइडेड बाय बायोगैस प्लांट, किए हो बायोगैस प्लांट होमर करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा, इन द आटमोस्फियर द लेयर एबव द ट्रोपोस्फियर इज, तो ट्रोपोस्फियर उपरे क्यों लेयर अच्छी ट्रोपोस्फियर जानते समस्ते, ट्रोपोस्फियर उपरे कौन अच्छी ना स्ट्रेटोस्फियर अच्छी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट हूँ डैश इज द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस, इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बायोगैस रो मेजर रॉ मटेरियल किए, बायोगैस रो मेजर रॉ मटेरियल कथा यदि कहवा तो हो काओ डंग, बायोमेटेरियल सॉरी बायोगैस रो मेजर मेजर कौन रॉ मटेरियल होची कौन ना काओ डंग। नेक्स्ट, ए बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स, तो गोटे बायोस्फीयर रिजर्व कौन कंजर्व करता है आउ कौन प्रिजर्व करता है, कौन करता है तो बायोस्फीयर रिजर्व गोटे कौन कंजर्व करता है प्रिजर्व करता है, तो मन रखिए राइट आंसर हो कौन आप सबू वाइल्ड एनिमल को करता है बायोस्फीयर रिजर्व मैंने, तो ये आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कंजर्व करता है, वाइल्ड लैंड को करता है, नेचुरल वेजिटेशन को दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ओर्स ऑफ, तो एटॉमिक एनर्जी तो आम क्यों क्यों ओर को जब व्यवहार करवा आम पाइपर एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी सिंपल एठ जानपारे जेने एटॉमिक कथा एनर्जी आसने तो आप यूरानियम ही हम कौन हम यूरानियम, तो राइट आंसर हो बी ऑप्शन। नेक्स्ट हूँ सैंचुरीज आर एस्टाब्लीश टू, तो आपर जो रहा सैंचुरीज, तो सैंचुरीज गुड़ा एस्टाब्लीश हो कौन पर जेनेली, तो आप विभिन्न बहुत प्रकार सैंचुरी अच्छे बार सैंचुरी जेनेली आम जदि आम देखा तो आम इंडिया केतटा सैंचुरी अच्छी, तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे, तो सैंचुरी जेनेली कौन पर एस्टाब्लीश होता है कौन पर कौन हो तो राइट आंसर हो तो ये जनरली आम कौन करी कंजर्व करता एनिमल मानक, तो राइट आंसर जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हूँ द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसीज इज कॉल्ड, तो
ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଜାତିର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ସିମ୍ପଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍। ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ନୁହେଁ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍, କୋଲ୍, ୟୁରାନିୟମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ଗୋଟେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ହେବ କି? ୟୁରାନିୟମ୍ ତ ହେବନି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍। ତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେସନ୍ଟା ଜେନେରାଲି କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଉ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ? ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କାହାକୁ, ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ? ତ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ରେୟାର୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ବି ହେଇଯିବ, ରେୟାର୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଅର୍ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲିଷ୍ଟକୁ ସେ ବହିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, ଫ୍ଲଡ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ। ତ ଫ୍ଲଡ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା? ଫ୍ଲଡ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଫ୍ଲଡ୍ କେମିତି ଆମେ, ଯେମିତି ଫ୍ଲଡ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ବନ୍ୟା। ତ ବନ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଆସୁଛି? ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଆମେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ମିନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ତ ସେତେ ମାଟି ଧୋଇ ପଳାଇବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ବା ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ତ ଆମର ଗଛ ଯେତେ ରହିବ ମୃତ୍ତିକା ସେତେ ରହିଲା। ଗଛ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଗଛର ଚେରଟା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ଜେନେରାଲି ଧୋଇ ହେଇନଥାଏ। ତ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କଲେ ତ ସିଏ ଫ୍ଲଡ୍ ହେବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋ। ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଆର୍। ଥ୍ରୀ ଆର୍ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଥ୍ରୀ ଆର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଥ୍ରୀ ଆର୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ରିସାଇକଲ୍, ରିୟୁଜ୍ ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ୍, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲି କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନେ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମାନେ ଓଭରାଲି କ'ଣ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ସେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିଥାଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କନ୍ସର୍ନ ଫର୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ, ଜେନେରାଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବାୟୋକାଟାଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଯିବା ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜିଂ ଏନି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହାଜାର୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲି ବେନାଇନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେଇଯିବ, ବି ଆଉ ସି କରେକ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ରିସୋର୍ସ ଆଟ୍ ଏ ରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଭ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍, ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦେନ୍ ଡିସ୍ପୋଜିଂ ଦେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ଯେମିତି କିଛି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଲା ସେଇଟା କିଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତି କରିବନି। ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ବେନାଇନ୍ କାମ କରିବା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ୍, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲକୁ ସେଫ୍ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ରିସୋର୍ସ, ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ କିଏ ନା ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ହେବ, ଫରେଷ୍ଟ ହେବ, ଫିସ୍ ବି ହେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ଟା ଆମେ ମାନେ କାହା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ, ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ କାହା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ ନା ୱାନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଓଭର୍ ଏ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡିକମ୍ପୋଜ୍, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇକି ଥାଏ ମାଟି ତଳେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଫେଡେରାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଅର୍ ଏଲିମିନେଟ୍ସ ଦ ଟେରିଫ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ହାଭ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଫେକ୍ଟ।
तो तार क्यों प्रकार जनरल इफेक्ट थाए आपको पचारे तो मन रखिए कौन ना लोअरिंग द प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो ऑप्शन सी हो करे। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा देखु नेक्स्ट पॉइंट देखु आम डायरेक्ट जा तो नेक्स्ट नेक्स्ट दे देखु नेक्स्ट दे पंप दैट सप्लाइज वाटर टू ए स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम हाज बिगन टू ऑपरेट एट ए रिड्यूस प्रेशर एंड इट समटाइम लॉसेस इट्स प्राइम डिस्पाइट एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेक इन दिस सिचुएशन। कौन है जीवो करेक्ट आंसर तो राइट आंसर है जीवो तो ऑप्शन ए चेक द इनटेक लाइन और एयर लीक्स तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट दला कंट्रोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इज जनरली मोस्ट क्रिटिकल इन टाइमिंग द ब्लूम्स ऑफ ए क्रॉप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज कौन ना पॉइंसेटियास टू मीट ए मार्केटिंग टारगेट डेट तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर ऑप्शन सी लाइट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट करेंट थ्रेट टू रेनबो मोस्ट सिग्निफिकेंट करेंट थ्रेट टू रेनबो रेनबो ट्रॉट पॉपुलेशंस इन कौन ना कोलोराडो इज पोस्ट बाय तो कौन है जीवो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कंपटीशन फ्रॉम अदर फिश स्पेसीज ना रिड्यूसेस स्ट्रीम फ्लो ना आपनर ह्विर्लिंग डिजीज कौन है जीवो करेक्ट तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन डी दैट इज ह्विर्लिंग डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन व्हाई ऑपरेशंस दैट प्रोड्यूसेस फीडर पिग्स और कैप्स ऑफ कैप्स ऑफन यूज क्रॉस ब्रीडिंग रादर देन प्योर ब्रीडिंग तो राइट आंसर कौन हम कमेन रीजनटा कौन प्राइमरी रीजनटा कौन ना प्राइमरी रीजन होची कौन ना प्राइमरी रीजन होची क्रॉस देखु क्रॉस ब्रीड ऑफस्प्रिंग जनरली आर मोर विगरस एंड प्रोडक्टिव देन प्योर ब्रीड ऑफस्प्रिंग जनरली आप कौन कहला ना ए सबुठी कौन ना हाइब्रिड स्पेसीज यूज कराऊ हाइब्रिड माने आपण कहींपर हाइब्रिड टाइप रण जनरली कैप्स हो जनरली सब यूज करा मैंने बर्तमान सब कौन बर्तमान जेनेसन चलती तो जनरली आम कौन पर हाइब्रिड यूज करूँ हाइब्रिड कर क्रॉस ब्रीडिंग करके हाइब्रिड करके यूज करूँ कौन पर ना जनरली जब प्योर ब्रीडिंग है तो सी जी आम इफेक्टिव हम जो क्रॉस ब्रीडिंग रे जो ऑफस्प्रिंग जन्म हो तो सी आहरी आपर कौन इफेक्टिव हम इफेक्टिव मीनस प्रोडक्टिव मीनस प्रोडक्टिव मीनस जी सी लाभदायक आमक हम प्योर ब्रीडिंग रे सेटा क्रॉस ब्रीडिंग जदि है तो सेठ जो ऑफस्प्रिंगटा बाहर सी आहरी प्रोडक्टिव बेसी प्रोडक्टिव हम तो सर राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज यूज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज इनटू ए स्वाइन कन्फाइनमेंट बिल्डिंग तो कौन हो करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस तो राइट आंसर है कौन ना रिक्वायरिंग पीपल टू डिप देयर शूज इन ए डिसइनफेक्टेंट सॉल्यूशन प्रायर टू एंटरिंग द बिल्डिंग तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द आइडियल टाइम टू हार्वेस्ट ग्रेन क्रॉप तो कोटा होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द आइडियल टाइम टू हार्वेस्ट ग्रेन तो आम जब गोटे ग्रेन किसी चाष करने को आरंभ करवा तो टाइमिंग टाइम डिसाइड करने पूर्व तो आम क्यों फैक्टर को आगे देखा पड़ो क्यों फैक्टर टाक आगे देखा पड़ो कौन देखा आगे ना आगे आम देखा जे कौन ना मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रीन सॉरी ऑफ द ग्रेन तो आम से जो क्रॉप चाष करवा जो जो आम कौन जो फसल आम चाष करवा तार आगे मॉइस्चर कंटेंट देखा। नेक्स्ट ए सॉइल विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस विल हैव द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो क्यों सॉइल ला सबुठ अधिका हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन दैट इज कौन 75% स्लिट आउ होची ना 25% क्ले तो राइट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नेक्स्ट पॉइंट आप कौन दे ए प्राइमरी गोल ऑफ बोथ दी FFA एंड नेशनल यंग फार्मर एजुकेशनल एसोसिएशन NYFEA तार मेन एम कौन आप मेन गोल कौन बोली आपको पचार मेन गोल हूँ कौन ना मेन गोल हूँ कौन
ना डेवलप लीडरशिप स्किल एमंग मेंबर। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा, नेक्स्ट हूँ जॉन इज ऑपरेटिंग ए लॉन केयर बिजनेस एज पार्ट ऑफ दिस सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो एज पार्ट ऑफ हिज रेकॉर्ड कीपिंग सिस्टम ही रेकॉर्ड्स एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल। द नेक्स्ट स्टेप इन हिज सिस्टम शुड बी टू पीरियडिकली ट्रांसफर दिस इनफर्मेशन टू ए। कौन है करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर ए जनरल लेजर। कौन है जनरल लेजर? तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। डैश एंड डैश आर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन ना एग्रोफॉरेस्ट्री। तो एग्रोफॉरेस्ट्री रो केउटी गोटे कॉम्बिनेशन बोली आपन को पचार छी। डैश एंड डैश आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्रोफॉरेस्ट्री रो कॉम्बिनेशन कथा दि हम कहबा कोन है जीव कॉम्बिनेशन है जीव फूड क्रॉप आउ ट्री क्रॉप। तो राइट आंसर है जीव फूड क्रॉप आउ ट्री क्रॉप। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो आ भितर केउटी गोटे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कोन है जीव? तो नॉन रिन्यूएबल पचार छी तो फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट ए प्लांट एंडेमिक टू इंडिया इज। तो आपको कही आ भितर क्यों प्लांट गोटे माने आमर इंडिया रे एंडेमिक विलुप्त प्राय बोली आम कहीपर। तो क्यों प्लांट? तो जापारे क्यों प्लांट? तो आपर फास्ट ही अच्छी बानियन प्लांट। नेक्स्ट रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन इज। इंपोर्टेंट वेजिटेशन को स्टडी करने वर्तमान चलुवा टेक्निकटी कौन? तो वर्तमान चलुवा टेक्निकटी हूँ कौन ना रिमोट सेंसिंग। कौन है करेक्ट आंसर? रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट देला ए रिन्यूएबल एक्जॉटेबल नेचुरल रिसोर्स। गोटे रिन्यूएबल आउ एक्जॉटेबल नेचुरल रिसोर्स कथा यदि कह तो सी हूँ किए ना सी हूँ आम फॉरेस्ट। कौन है फॉरेस्ट इज ए रिन्यूएबल आउ एक्जॉटेबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ए स्पेसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया। गोटे स्पेसीज गोटे प्रजातिर प्राणी तो जहाँ मैंने रेस्ट्रिक्ट कर मानने कौन कर रेस्ट्रिक्शन तापाई अच्छी कि गोटे पर्टिकुलर एरिया को सारे रेस्ट्रिक्शन अच्छी तो से प्रकार स्पेसीज को आम कौन कही था कौन कही था ना आम कौन एंडेमिक स्पेसीज बोली था। स्पेसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। जोटा को रेड पांडा को आम कौन कही था ना आइलुरस कौन ना फुलजेन्स। तो यहाँ को आम जदि आम देखा IUCN रिपोर्ट अनुजाई तो रेड पांडा वर्तमान स्थिति कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना एंडेंजर्ड स्पेसीज ना वल्नरेबल स्पेसीज ना एक्सटिंक्ट स्पेसीज कौन है करेक्ट आंसर? तो वर्तमान रेड पांडा मानकर सिचुएशन होची से माने एंडेंजर्ड स्पेसीज कौन है एंडेंजर्ड स्पेसीज विलुप्त। नेक्स्ट एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री बोथ इनक्लूड्स। तो एग्रोफॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री बोथ क्या इनक्लूड करे? तो बोथ इनक्लूड कौन हम करेक्ट आंसर? बोथ इनक्लूड प्लांटेशन ऑफ ट्री। तो राइट आंसर जो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट एन एंडेंजर्ड बर्ड इज। तो गोटे एंडेंजर्ड बर्ड की एन एंडेंजर्ड बर्ड हूँ कौन ना देखु ए ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। तो राइट आंसर जीव ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हूँ गोटे एंडेंजर्ड बर्ड आम कह। नेक्स्ट हूँ देखु एन एंडेंजर्ड स्पेसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आ भितर किए गोटे एंडेंजर्ड स्पेसीज बोली आम जानू। तो राइट आंसर जीव कौन देखु एंडेंजर्ड स्पेसीज किए आ भितर? तो एंडेंजर्ड स्पेसीज मन रखिए तो यहाँ है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा एन एग्जांपल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन तो दुटा कंजर्वेशन अच्छी गोटे इनसीटू गोटे एक्सीटू। तो एक्सीटू कंजर्वेशन आ भितर किए गोटे एग्जांपल? तो एक्सीटू कंजर्वेशन कथा यदि कह तार एग्जांपल हम कौन ना सीड बैंक हूँ गोटे एक्सीटू कंजर्वेशन। कौन हम सीड बैंक हूँ एक्सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट हूँ एन एक्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्स इज। गोटे एक्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्स हूँ किए ना आपणकर फ्रेश वाटर हम राइट आंसर। नेक्स्ट एन इनएक्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन कह जाए ताको आपणकर कह जाए कौन ताको कह जाए आपणकर हाइड्रो पावर। नेक्स्ट कौन आंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन अकर्स ड्यू टू। तो आंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन अकर्स होता है कौन भाई ना एटा ड्यू टू कौन ना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कौन है ऑप्शन डी ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा बायोगैस इज
व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो बायोगैस गोटे क्यों टाइप रिचुराल रिसोर्स, बायोगैस रिन्यूएबल ना नॉन रिन्यूएबल बायोगैस, तो कौन है जीवो करेक्ट आंसर देखंतु, कौन रिन्यूएबल हबो आउ अपनर नॉन कन्वेंशनल हबो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आउ सी माने डी ऑप्शन करे। नेक्स्ट होची चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू। देखंतु ए क्वेश्चन आपन पे इंपोर्टेंट काई होची कने चिपको मूवमेंट रा जे लीडर थिले, तो यही हमें जे देखिबा बोधे हमर 21 रे तंगर डेथ हो जाइछ, तो सेटा टिके इंपोर्टेंट हेइ पारे आपन पे। चिपको मूवमेंट किए करथिले ना आपन जानिथिबे सुंदरलाल बहुगुणा करथिले, तो आपन चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू, तो एटा माने कहाँ को द्वारा होता, तो राइट आंसर है कौन जैटा कौन ना पब्लिक अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन लोक मान सहायता रही है। नेक्स्ट हूँ चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू कौन पाई, चिपको मूवमेंट कौन फॉरेस्ट, चिपको मूवमेंट क्या मैंने रिलेट कर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो राइट आंसर है फॉरेस्ट। नेक्स्ट हूँ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज, तो गोटे स्पीशीज रो कंजर्वेशन जोटी तार नेचुरल हैबिटेट ताको सेट कंजर्व करवा, तो ताले ताको आमे कौन कहवा जदि आमे सेट कंजर्व करवा देन ताको इनसिटू कहवा, कौन कहवा इनसिटू करवा, जदि आमे कोनोसी जगार नै तो कंजर्व करले दैट इज सीड बैंक हो गोटे जगार सीड थिवो तो सेटा एक्सिटू। नेक्स्ट हूँ डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अबाउट, तो डिफॉरेस्टेशन कौन आनी थाए, डिफॉरेस्टेशन आनी थाए कौन ना सॉयल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन हेले मृत्तिका क्षय। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड ड्यू टू कौन पाई, ना डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड ड्यू टू कौन देखु डिफॉरेस्टेशन जनरली कौन है ना जनरली होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो पार। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज सॉरी मेजर काजुअल सॉरी काउजल एजेंट ऑफ, डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर काउजल एजेंट ऑफ कहार गोटे मेजर काउजल एजेंट, तो डिफॉरेस्टेशन हूँ मेजर काउजल एजेंट ऑफ कौन ना डिसर्टिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, तो ऑप्शन नंबर आप कते जीव ना सी है जीव। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, डिफॉरेस्टेशन कौन डिक्रीज करता है, डिफॉरेस्टेशन कथा दी कहवा डिक्रीज करता है कौन ना सी आम जेनेटिक इरोजन डिक्रीज कर सॉरी एटा आप कौन है ना डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज कौन डिक्रीज करता है ना आप रेनफॉल डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हूँ डेवलपमेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेशन, तो गोटे बॉटनिकल गार्डन आम कौन करवा ना या तो मुझे कहली आपन को तरी कौन नेचुरल हैबिटेट रहा इनसीटू जदि बाहर है एक्सीटू, एक्सीटू कंजर्वेशन इज क्यारेड आउट इन, एक्सीटू कंजर्वेशन क्योंठ रही जाए, तो एक्सीटू कंजर्वेशन आप पचार कौन जीव करेक्ट आंसर, तो एक्सीटू कंजर्वेशन जू। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इनक्रीज फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड, तो कौन कहुए ताको आपर कहुए अफॉरेस्टेशन प्लांटेशन जनरली हम फॉर मैपिंग रिमोट सेंडिंग इक्विपमेंट इज माउंटेड ऑन, फॉर मैपिंग रिमोट सेंडिंग इक्विपमेंट इज माउंटेड ऑन, तो इज माउंटेड ऑन कौन है तो माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट आउ सैटेलाइट द्वारा होता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट कंट्रोल ड्रॉप्ड बाय, तो केमी कौन आम जो रहा जनरली फॉरेस्ट कंट्रोल करता है, तो राइट आंसर कौन है तो जनरली कंट्रोल करता है केमी ना बाय इनक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, तो राइट आंसर जीव प्रचुर वर्षा कराई थाए और ह्यूमिडिटी को बढ़ाई थाए। नेक्स्ट फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो अर्थ रे केते प्रतिशत फ्रेश वाटर अच्छी जानी केते प्रतिशत अच्छी ना आमर मात्र 2.5% फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेश वाटर प्रोब्लेम आरइजेस ड्यू टू, तो फ्रेश वाटर पर मानने प्रोब्लेमटा फ्रेश वाटर मिलवा प्रोब्लेमटा मैंने इनक्रीज कर कौन पाई ना इनक्रीज कर कारण ड्यू टू अन इवेंट डिस्टर्ब कौन हो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्थ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपर बी हो। नेक्स्ट गामा एंड एक्सरे आर नॉट यूज फॉर रिमोट सेंसिंग बिकॉज, तो जनरली गामा रे आउ एक्सरेटा रिमोट सेंसिंग रे यूज होने थाए कौन पाई, तो रिमोट सेंसिंग रे यूज होने थाए कारण दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय लेयर एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन सी करेक्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहले आपण कौन बुझंती जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहले कौन रोटेट विथ स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। नेक्स्ट ह्यूमन डोमिनेटेड बायोस्फीयर इज कॉल्ड
ह्यूमन डोमिनेटेड बायोस्फीयर को आमे कौन कही थाउ ना ताको आमे कही थाउ कौन ना न्यू स्फीयर बोली कही थाउ न्यू स्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा नेक्स्ट दला इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू तो कौन पे प्रोवाइड कराई थे प्रोवाइड करे थे फ्लोरा और फौना। नेक्स्ट इन इंडिया कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया जनरली क्यों टाइप फॉरेस्ट देखा जाए आपन कोई इंडिया जनरली क्यों टाइप फॉरेस्ट देखा जाए तो जानते ट्रॉपिकल ड्राई आउ डिसाइडियस फॉरेस्ट यहाँ बहुत थर पचारे ट्रॉपिकल ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी एटा इंपोर्टेंट मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्रॉपिकल ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू तो जानते कौन हो डिस्कशन कले तो इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज डिवाइडेड टू इज प्रोवाइडेड टू एंटायर इकोसिस्टम। नेक्स्ट इन एक्जॉस्टेबल रिसोर्स एमंग दि फलोईंग तो क्यों गोटे इन एक्जॉस्टेबल रिसोर्स एमंग दि फलोईंग तो आभर क्यों तो कौन हो ना सोलार एनर्जी इनसर्ट सिस्टम इज टाइप ऑफ इनसर्ट गोटे कौन आई एन एस ए टी जानते बहुत थर आम पढ़चे कौन एटा नाटा गोटे हूँ जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट कौन गोटे जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट आपण देला आइसलैंड हाव हायर नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज आज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड मास बाय तो आइसलैंड रे बहुत अधिका एंडेमिक स्पेसीज देखा जाए कारण कौन ना राइट आंसर हो तो राइट आंसर हो लार्ज एक्सपांस ऑफ सॉरी वाटर। नेक्स्ट हूँ इट इज नॉट ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो क्यों गोटे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नुहे तो राइट आंसर हो कौन हो ऑर्चर्ड। नेक्स्ट आईयूसीएन स्टैंड्स फॉर इंपोर्टेंट तो आईयूसीएन रो फुल फॉर्म आपन पचार आईयूसीएन जानते आईयूसीएन रो फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देला लाइफ सपोर्टिंग ओजोन अर्थ सरफेस इज लाइफ सपोर्टिंग ओजोन सॉरी लाइफ सपोर्टिंग जोन अर्थ सरफेस इज लाइफ प्रोटेक्टिंग लाइफ सपोर्टिंग जोन अर्थ सरफेस इज ताको कौन कह लाइफ सपोर्टिंग जोन तो सेटा होउछ हमर फर्स्ट कोडा कहि लाइफ सपोर्टिंग माने बायोस्फीयर हिजो। नेक्स्ट मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज मेन कॉज कौन भाई ना मेन कॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट मेन सोर्स ऑफ वाटर टू सॉइल इज मेन सोर्स ऑफ वाटर टू सॉइल इज तो मेन सोर्स होउछ रेनफॉल। नेक्स्ट हूँ मैक्सिमम यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इन सबुठ अधिक मैक्सिमम आम फ्रेश वाटर क्यों यूज कर मैक्सिमम आम एग्रीकल्चर यूज कर। नेक्स्ट हूँ मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेंट इन तो 70% लेखा पाखापाखि कौट कंटेन्ट है ना ग्लासीयर आउ पोलार आईस क्या। नेक्स्ट हूँ मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोलिंग फ्लोर इज तो फ्लोर को कंट्रोल करने सबुठ भल उपाय कौन ना आम कौन करवा रिफॉरेस्टेशन बा अफॉरेस्टेशन करवा तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला मोस्ट ऑफ दि एंडेंजर्ड स्पेसीज आर विक्टिम्स ऑफ तो सबुठ जी सब एंडेंजर्ड स्पेसीज रे से गोटे कहार विक्टिम हबार चांसेस रोचे ना कौन ना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन विक्टिम हबार चान्स रोचे। नेचुरल रिसोर्स व्हिच हैव डेफिनेट साइकिल तो कौन कह तो डेफिनेट साइकिल हूँ एक्जॉर्टेबल रिन्यूएबल। नेक्स्ट हूँ नेचुरल हाइड्रोलोजिक हाइड्रो देला देखु नेचर्स हाइड्रोलोजिकल साइकिल इनवल्व तो नेचर हाइड्रोलोजिकल साइकिल इनवल्व करे क्यों कौन प्रोसेस तो तार राइट आंसर हो देखु क्यों कौन प्रोसेस ना एवापोरेशन कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर द वाटर फाउंड इन सीज एंड ओशन इज तो केते परसेंट देखा जाए तो सी और ओशन ने तो पाखापाखि देखा जाए आपण जदि आम देखा 97%। नेक्स्ट हूँ प्लांट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज तो गोटा गोटे कौन ताको कह जाए कौन ना कॉल्ड कंजर्वेशन तो आम प्लान कर मैनेजमेंट गोटे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को आम कंजर्वेशन कही था तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखो तो 85 क्वेश्चन डिस्कशन कले जोटा कि आपंकर आगामी बेड एंट्रांस बहुत हेल्पफुल रही आपको भिडियो भल लगी भिडियो गोटे लाइक करेंगे सांग अनुसार भिडियो को थर थर सेयार करेंगे आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें पाए सो थैंक यू।